हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तनाज सोसाइटल में आप सबका दिल से स्वागत है। और आप कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसे कहते हैं कीमा, और मैं ये मटन मिंस का बना रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ले लिया है 1/2 kg ऑफ मटन मिंस, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके साइड में रख दिया है। अब मैं ले लूँगी पैन, जिसमें मैंने डाल दिया है 5 tablespoons ऑफ ऑयल एंड होल गर्म मसाला। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 teaspoon ऑफ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड, और 3 green chilies। ग्रीन चिलीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। और यहाँ मैंने ले लिया है 3 medium size onion जो मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था। अब मैं इसे बस लाइट ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो ये ओनियन लाइट ब्राउनिश कलर में आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 tablespoon भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जिंजर गार्लिक की स्मेल चली जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कीमा, इसमें टोमेटोज और सब मसाले बाद में डालना है, कीमा और थोड़ा सा सॉल्ट। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है ताकि जो कीमा है वो अपना पानी छोड़ दे और अच्छे से पक जाए। कीमा जो हमने डाला था उसका जो पानी है वो ड्राई हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटोज़। तो टोमेटोज़ मैंने 2 medium size के डाल दिए हैं अच्छे से चॉप करके। तो बस इसे मैं मिक्स करूंगी, और अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। ड्राई मसाले में हम डालेंगे 1 tablespoon ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon ऑफ हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया था मैंने, और फिर इसे अच्छे से मिक्सिंग करूंगी। तो यहाँ मैं अभी डाल रही हूँ मटन मसाला 1 tablespoon, कोई भी कंपनी का आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ शान का मटन मसाला डाला है, तो अगर आप मटन मसाला डाल रहे हो तो गरम मसाला आप स्किप कर सकते हो, और अगर गरम मसाला डाला है तो मटन मसाला स्किप कर सकते हो। तो बस यहाँ मैं अच्छे से भून लूँगी इसे, एंड योर कीमा दैट इज मटन का कीमा इज रेडी। और ये सहरी में खाइए, रात में भून के रख सकते हो आप थोड़ा बहुत, और सुबह में इसे थोड़ा 5 minutes तक अच्छे से पका के आप खा सकते हो। फिर मैंने डाल दिया था इसमें कोरिएंडर लीव्स, और बस ये कीमा बन के रेडी है। अब मैं इसे ढक के 5 to 8 minutes तक इसे पकाऊंगी, क्योंकि कीमा भुनने में ही पक गया है। तो यहाँ हमारा कीमा बनके रेडी हो गया है, कीमे ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी स्लाइस्ड टोमेटो, ये ऑप्शनल है, ये एक डेकोरेशन वाइज भी अच्छा लगता है और ये खाने में भी अच्छा लगता है। बस ये इसे डाल के हमें ढक के और 2 to 3 minutes तक पकाना है, एंड योर कीमा इज रेडी। इसे एंजॉय कीजिए पराठे के साथ, रोटी के साथ, एंड ये प्लीज़ ट्राई करना ये रमज़ान में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।